गोवा में 4 साल के बेटे की हत्या करने वाली सूचना सेठ को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूचना ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताया था कि उसका बेटा पति जैसा दिखता है और अलग हो चुके पति की याद दिलाता है। ये बात भी सामने आई है कि बच्चे के पिता वेंकट रमन ने शनिवार को सूचना को कॉल किया था। उसने रविवार को समय बिताने के लिए बच्चे को बेंगलुरु के राजाजी नगर स्थित अपने घर लाने की जानकारी दी थी। हालांकि सूचना ने अपने पति के घर जाने से इनकार कर दिया। उसने वेंकट रमन से बेंगलुरु के सदा शिव नगर के पास पब्लिक प्लेस पर मिलने के लिए कहा था। इस पर वेंकट रमन सुबह 11 बजे पहुंचे, 2 घंटे से ज्यादा समय तक सदा शिव नगर में इंतजार करते रहे, मगर सूचना नहीं आई। उन्होंने उसे कॉल किया, मैसेज किया, ईमेल करने की कोशिश की, लेकिन सूचना का कुछ भी अता पता नहीं चला। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सूचना सेठ जब गोवा से भाग रही थी तो एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी कैब चोरला घाट पर 4 घंटे तक फंसी रही। यह घटना पुलिस के लिए वरदान साबित हुई। अगर वो बेंगलुरु पहुंच जाती तो बच्चे का शव निकालना मुश्किल हो जाता। बता दें कि चोरला घाट गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर के चौराहों पर मौजूद है। ये पणजी के उत्तर पूर्व में और कर्नाटक में बेलगांव से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक सूचना सेठ ने अपने अलग हो चुके पति के साथ बच्चे की कस्टडी की लड़ाई को लेकर सोमवार को अपने ही 4 साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी और शव को एक बैग में छिपा कर ले जा रही थी। उसी दिन महिला को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को गोवा लाया गया। तलाक के दस्तावेजों के मुताबिक सूचना सेठ ने अगस्त 2022 में अलग रह रहे पति वेंकट रमन के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था। सूचना ने पति पर अपना और अपने बेटे के शारीरिक शोषण करने का आरोप भी लगाया। हालांकि वेंकट रमन ने अदालत में इन सभी आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने रमन के खिलाफ रीस्ट्रेटनिंग ऑर्डर जारी किया, जिन्हें उनकी पत्नी सूचना के घर जाने या उनके बच्चे से बातचीत करने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने रमन को बच्चे से मिलने की परमिशन दे दी। इस बात से सूचना सेठ काफी परेशान थी। सूत्रों के मुताबिक सूचना सेठ ने शनिवार को पति वेंकट रमन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था कि आप बच्चे से मिल सकते हैं, लेकिन वेंकट को पता चला कि सूचना और उसका बेटा बेंगलुरु में है ही नहीं, जिसके बाद वेंकट इंडोनेशिया चले गए। वहीं सूचना शनिवार को ही गोवा चली आई। सूत्रों के मुताबिक वेंकट रमन को पूछताछ के लिए कुछ दिनों में बुलाया जाएगा। सूत्रों ने ये भी बताया है कि सूचना सेठ से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान बच्चे की मौत में अपनी भूमिका से सूचना इनकार कर रही है। उसका दावा है कि जब वो सो कर उठी तो बच्चा तब तक मर चुका था। वहीं गोवा पुलिस को बच्चे की हत्या वाले कमरे में कफ सिरप की कई बोतलें मिली। पुलिस का कहना है कि ये भी संभव हो सकता है कि उसने बच्चे को दवा की ओवरडोज दी हो। हालांकि ये हत्या प्री प्लान्ड थी। अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे की हत्या कपड़े या तकिए से दबाकर की गई थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।